हेलो एवरीबडी, वेलकम, सुस्वागतम, खुश आमदीद, शुभ संध्याकाल। HBT हिंद भूमि टाइम्स, इस प्रोग्राम के लिए आप यहाँ आज इस हॉल में बैठे हुए हैं और हम तमाम जो मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, गेस्ट बैठे हुए हैं, ऑनरेबल गेस्ट, चीफ गेस्ट और अचीवमेंट अवार्ड के लिए नियुक्त होने वाले सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और हमें इस बात का खेद है कि वक्त पर प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका। इस बात का हमें खेद है कि हमने जो समय आपको दिया था उस समय पर प्रोग्राम शुरू नहीं हो सका। उसकी क्या वजूहात हैं या क्या वजह है या उसका कारण क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपने बैठे बैठे देखा होगा कि बैक स्टेज पर जो बैनर लगाया जाता है वो बैनर जो है बहुत देर से हमारे तैयार हो सका। और हमारे सभी गेस्ट जो है एक के बाद एक यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हम आने वाले हमारे तमाम गेस्ट का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि ऐलान किया गया है बाबा जी के आने के बाद बाकायदा ये प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा और एक के बाद एक जिन लोगों ने समाज में अपनी खिदमत दी है, समाज में अपना योगदान दिया है, समाज के लिए कुछ काम किया है, वो तमाम लोग आज जो है अचीवमेंट अवार्ड के हकदार रहेंगे और उनको HBD ट्रॉफी दी जाएगी, उनका मान सम्मान किया जाएगा। जो लोग कैमरे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, मेरी उनसे विनती है कि बैक साइड में कैमरा लगा हुआ है, आप लोग अपनी नशिस्त पर या अपनी चेयर पर बैठ जाएं और बहुत जल्द ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। और यकीनन यहाँ जिन लोगों ने अपनी खिदमात अंजाम दी है उनके नामों का ऐलान भी किया जाएगा। यहाँ पर एक लिस्ट आई है जो भिवंडी वॉरियर्स के अध्यक्ष हैं जगदीश जांगुर पाटिल साहब, एक्स आर्मी रह चुके हैं, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। नीलेश पाटिल वो भी यहाँ मौजूद हैं, सैनिक फेडरेशन पालघर जिला। अर्जुन पालके कोबरा कमांडो। यूसुफ मंसूरी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो जहाँ कहीं हों उनके जो मेहमान सामने आ रहे हैं उनका शुभ आगमन हो रहा है और वो कहाँ पर विराजमान होंगे उनकी रहनुमाई करें, उन्हें बताएं। हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल भाई बाबा जी तशरीफ़ ला चुके हैं, हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और दूसरे भी जो गेस्ट हमारे आ चुके हैं, अब्दुल भाई बाबा जी मुस्लिम धर्म गुरु की हैसियत रखते हैं, आज यहाँ हमारे मेहमान होंगे DCP योगेश चौहान साहब, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भिवंडी रईस शेख साहब का भी हमें इंतज़ार रहेगा, महेश चौगले साहब जो कि यहाँ के लोकप्रिय आमदार हैं वो भी मौजूद होंगे, महफूज खान साहब जनरल सिक्योरिटी से जो अखिल भारतीय वो भी यहाँ मौजूद होंगे। जिन लोगों को अचीवमेंट अवार्ड दिया जाना है वो ये हमारे चीफ गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर किरण चन्ने साहब, एडवोकेट किरण चन्ने साहब, सरपंच सेलार ग्राम पंचायत भिवंडी, वो भी यहाँ तशरीफ लाएंगे। तौसीफ अहमद हकीम सोशल एक्टिविस्ट हैं, जावेद फारूकी साहब हैं, फाजिल अंसारी साहब हैं, शमीम दुर्राज कामनकर हैं, आसिफ मेमन साहब हैं, सगीर खान, जावेद नासिर, जावेद अली, आमिर अहमद सिद्दीकी, इमाम अंसारी,
अमूल दाबाड़े एपीआई डीसीपी ऑफिस में बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम देते हैं। राजेश दलवी साहब हैं, पुलिस कांस्टेबल हैं, डीसीपी हैं, डीसीपी भिवंडी। सुरेश राजे पीएसआई भिवंडी सिटी पीएस। महिंद्रा जाधव एपीआई भिवंडी क्राइम ब्रांच। रेहाना शेख साहिबा क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखती हैं मुंबई। सीमा खड़े एपीआई स्पेशल ब्रांच सीआईडी मुंबई। हाफिजुल्ला सनाउल्ला खान हेड कांस्टेबल मुंबरा। विठल जे चिंतामन पीएसआई हाईवे सिक्योरिटी पुलिस चिंचोटी तालुका पालघर। दीपक धनाजी जाधव पीएसआई। सुधीर देवराम चौधरी पीएचसी उल्लासनगर। रहीम शेख और इसी तरह से एजुकेशन की फील्ड में शब्बीर फारूकी सर प्रिंसिपल रफीउद्दीन फकी हाई स्कूल। शेख हारून सर सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल। रेहाना शेख साहिबा सैयद आरिफ हारून सुभान सिकंदर अंसारी सोशल वर्कर। डॉक्टर खालिद शेख मैनेजिंग डायरेक्टर साई हॉस्पिटल। नसीम आजम शेख नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी। एडवोकेट अमीना खान एडवोकेट हाई कोर्ट। दानिश आजमी जर्नलिस्ट। नितिन पंडित जर्नलिस्ट। मिस्टर जाकिर अंसारी फिजिकल एजुकेशन टीचर। डॉक्टर सुनील नागेश मेडिकल की फील्ड में कुछ लोगों ने जो काम किया है। डॉक्टर सुनील नागेश भालेराव दिनेश पाटिल मृणाल रामचंद्र पाटिल शैलेश अशोक शिंदे। इंडियन आर्मी से वालके अर्जुन वड़के होना चाहिए वड़के या वालके जो भी होगा वड़के है हाँ। सागर गणेश पाटिल आकाश धोत्रे कैलाश चौहान यूसुफ साहब आप यहाँ आ जाइए। नीलेश पाटिल राजू पाटिल ये बोलते हैं। अब बाबा जी की इजाज़त से हम लोग इस प्रोग्राम का आगाज करने जा रहे हैं। तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज करेंगे क्योंकि किसी भी काम के शुरुआत में चाहे वो ईश्वर हो अल्लाह हो गॉड हो भगवान हो अगर उसके नाम से शुरुआत होती है तो यकीनन वो काम जो है कामयाबी की तरफ पहुंचता है। हम चाहे उसे किसी भी नाम से याद करें लेकिन जब भी हम पे आपदा आती है तो सारी की सारी नज़रें ऊपर उसे तलाश करती हैं जबकि वो हमारे दिल में बसता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम महसूस करें हम तमाम इंसान हैं एक ईश्वर के एक अल्लाह एक भगवान के बनाए हुए इंसान। हम तमाम की रगों में दौड़ने वाला वही लाल खून और हम तमाम की कर्म भूमि यही भारत देश। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज ये मजमा देख के मुझको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ज़िंदगी इस पर फिदा है ये हमारी जान है। हम का मतलब जो ना समझे वो बड़ा नादान है। हो से हिंदू मो से मुस्लिम दोनों मिलकर हम बना। हम नहीं तो कुछ नहीं हम हैं तो हिंदुस्तान है। तो इसी हिंदुस्तान जो हमारी कर्म भूमि है हमारी मातृभूमि है आज हम शुरुआत करेंगे अल्लाह के कलाम से। सोहेब सीमा बनवर इस तालिब इल्म से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से शुरुआत करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन आला सिरातिम मुस्तकीम وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم ما شاء الله اللہ کے خوبصورت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوا شروعات ہوئی میں یہ صہیب مومن یہ بچہ جو بہت اچھی قرأت کر رہا تھا اس سے درخواست کرتا ہوں منصوری صاحب ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں یہ اس بچے کی پذیرائی اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جا رہا ہے یوسف منصوری صاحب کے ہاتھوں دوستو یہ محفل کا دستور ہوتا ہے کہ ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں یا آج کیوں ہمیں یہاں اکٹھا کیا گیا ہے وہ پہلے جان لیتے ہیں کہ ایچ بی ٹی کا سفر ہند بھومی کا جو سفر ہے ایچ بی ٹی سے سحر سید کو میں آواز دیتا ہوں وہ یہاں آئے اور ایچ بی ٹی کا سفر جو ہے وہ پیش کریں پھر ہمارے جو بھی مہمان اور گیسٹ آئے ہیں ہم ان کی خدمت میں پشپ گچھ اور بوکے اور فلاور پریزنٹیشن کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ ایوننگ لیڈیز اینڈ جینٹل مین میں سید سحر ایچ بی ٹی ٹیم کی جانب سے یہاں آئے ہوئے سارے معزز مہمانوں کا استقبال کرتی ہوں میں ایچ بی ٹی کی مختصر رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں ایچ بی ٹی کا سفر تھانے ضلع کے بھیونڈی سے 2014 میں شروع ہوا یہ ایک ویکلی اخبار ہے اور اب بھی بھیونڈی شہر سے ہی شائع کیا جا رہے ہیں ایچ بی ٹی کا سفر کچھ اس طرح رہا کہ آج بھیونڈی شہر کے مختلف ڈیلی اخبارات میں اس کا ایک اہم مقام ہے ایچ بی ٹی ہند بھومی ٹائمز اخبار کا کام صرف لوگوں کو خبریں پہنچانا نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد سماج میں ہو رہی ناانصافی ظلم و زیادتی کے خلاف آواز اٹھا کر لوگوں کو انصاف دلانا ہے
हिंद भूमि टाइम्स के अहम और काबिल फ़ख्र कारनामों में 2016 में एक कैलेंडर शाये किया गया था जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। 2016 में कोरोना बीमारी के दौरान समाज में लोगों की खिदमत करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की जानों को बचाने वाले महकमों में काम करने वाले ऑफिसर्स और मुख्तलिफ अखबारात व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जर्नलिस्ट इनकी खिदमत के लिए इनके एप्रिसिएशन के तौर पर हिंद भूमि टाइम्स के चीफ एडिटर यूसुफ मंसूरी और हिंद भूमि टाइम्स की टीम ने ये फैसला किया कि हम ऐसे लोगों की पजीराई करेंगे। सोशल मीडिया की बढ़ती हुई अहमियत को देखते हुए 2019 में HBT की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल शुरू किया गया जो अब भी कामयाबी से जारी है और उम्मीद है कि आपके सपोर्ट के साथ ये आइंदा भी जारी रहेगा। 18 जनवरी 2020 को इसी कैंपस के मोमिन गर्ल्स हाई स्कूल में HBT सम्मान 2020 का शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें 9 लोगों को HBT अवार्ड्स और 50 लोगों को HBT सम्मान से नवाजा गया। सम्मान हासिल करने वाले लोगों में पुलिस एडमिनिस्टर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर, डायरेक्टर्स और सियासी अफराद शामिल थे। इसी तरह आज 28 अक्टूबर 2021 को हम समाज के मुख्तलिफ तबकात में नुमाया कारकर्दगी अंजाम देने वाले मुख्तलिफ लोगों को अवार्ड्स और सम्मान से नवाजेंगे। समाप्त सर। जनाब यूसुफ मंसूरी साहब, आपने इन मेहमानों को बुलाया है तो आपकी ही जवाबदारी ये बनती है कि तमाम मेहमानों को आप वेलकम करें, खुश आमदीद कहें, उनके शुभ आगमन का शुक्रिया अदा करें, आएँ और दो शब्द कहें इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं प्रोग्राम इतना लेट हो गया और जो भी हमारे मेहमान दूर से आए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख की बात है कि उन लोगों को मैंने बहुत वेट करवाया। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे जो चीफ गेस्ट है आके अब्दुल भाई बाबा जी, हमारे बहुत खुशी की बात है कि वो हमारे प्रोग्राम में आज हमारे बीच में मौजूद है और जो हमारे जिन लोगों को हम लोग सम्मान देने वाले हैं हम बाबा जी के हाथों से ही देंगे और बड़े गर्व की बात है कि उनके हाथों से आप लोगों को सम्मान मिलने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए और इसी तरीके से आपका प्यार, आपकी दोस्ती, आपका हम लोगों से रिश्ता हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अब्दुल भाई बाबा जी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएँ। बोल जल्दी इसके। जगदीश पाटिल साहब से दरख्वास्त है कि वो आ जाए। गीता राउत साहिबा, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से आप उनकी अध्यक्ष हैं, अध्यक्षिका। और हमारे दीगर मेहमान आने वाले हैं। एक छोटी बच्ची यहाँ अपना परफॉर्म करेगी केसरी सॉन्ग। मैं उसके टीचर से दरख्वास्त करता हूं कि वो उस बच्ची को यहां स्टेज तक लाने में मदद करें। वो बच्ची केसरी सॉन्ग पेश करने वाली है। क्या नाम है मैडम उस बच्ची का? अंसारी खदीजा। अंसारी खदीजा, अंगारों में जिस्म जलाया है
हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट अब्दुल भाई बाबा जी मुस्लिम धर्म गुरु, उनका सत्कार
everybody put your hands in the air. कुछ ऐसी बात होगी कि इंसान जो है एक दूसरे इंसान की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ता है। मैं नसीम साहिबा से दरख्वास्त करूंगा कि दो शब्द कहें आप। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल द चीफ गेस्ट। आई विल स्टार्ट विद द सेशन विद सम वर्ड्स कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें ज़मीन पर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का तमन्ना थामना नहीं समुंदर ही की बेबसी है, बाहर खामोशी सही भीतर कई तूफान अभी बाकी है। सो लाइक आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ नसीम शेख and I am the proprietor for NIFS, National Institute of Fire and Safety. Me and myself, my husband, Mr. Azam Sheikh, we both are handling this NIFS from last 6 years. So, ye jo NIFS hai, I'll just put on a light on this. Ye fire and safety ke kuch courses hum log training dete hain bachchon ko, especially 10th standard, 12th standard, graduation, ओके एंड बी बहुत सारे क्वालिफिकेशंस में रिक्वायर्ड है। एक्चुअली जो ये फायर एंड सेफ्टी की कोर्सेज है, दिस इज़ अ न्यू करियर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो, सो आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी। आई थैंक्स मिस्टर मंसूरी टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू कीप अ लाइट ऑन दिस। तो ये जो फायर एंड सेफ्टी के जो कोर्सेज है, ये हमारे मुंबई 3 ब्रांचेज हैं हमारे, थाने, वाशी एंड बोरीवली, एंड पैन इंडिया में हमारे 89 ब्रांचेज हैं। तो प्राइम एक्चुअली इसका ये है कि जितने भी इंडस्ट्री है और जितने भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, इसमें जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो 10th 12th मैंने जो ग्रेजुएशन बोला है, इसमें कोर्सेज जो हम लोग लॉन्च किए हैं, मतलब नॉट नाउ, 25 ईयर्स हो गया है इनको, ये जो NIFS को। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट वी आर नॉट अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट, वी आर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का कोलाब्रेशन है। तो लाइक जितने भी MNC कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये बच्चों को हम भेजते हैं वहाँ पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू द कंपनीज, लाइक MNC लाइक ऑयल एंड गैस कंपनीज होती है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है। तो यहाँ पर ये बच्चों का मतलब लाइक द एम्प्लॉयज़ आर रिक्वायर्ड, बट जब ये एंट्री करते हैं, जब ये कोर्सेज करना बहुत मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, डिप्लोमा कोर्सेज है हमारे पास, BSc इन फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज है, एंड वी हैव MBA इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सो ये कोर्सेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इट विल टेक अ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्रेस ऑल दिस थिंग्स, बट आई टेक अ 5 मिनट्स। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाइक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दोज़ आर ग्रेजुएशन या 10th पास है, ओके, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को एक मेडिकल में जाना ज़रूरी है, इंजीनियरिंग भी एक स्कोप है। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द करियर वॉट वी आर गोइंग टू लाइक, वेरी सून वी आर गोइंग टू कम इन दिस भिवंडी एरिया। हम लोग बहुत सारे सेमिनार और बहुत सारे सोसाइटी को हम लोग क्लब करने वाले हैं, टू मेक देम अवेयर वॉट एक्चुअली दिस कोर्सेज आर और कैसे इनको अपॉर्चुनिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को देंगे। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हमने देखे हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस करियर। बस इतना है कि उनको ऐसा लगता है कि लाइक हमारा जो भी ग्रेजुएशन, जो भी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है,
या फिर वो कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स लेता है, उनको ऐसा लगता है कि लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग ही उनको बहुत पता है. बट दिस इज़ ऑल्सो सम कोर्सेज जहाँ पर वो अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकता है. एंड दिस इज़ अ करियर वेर ही कैन वर्क इन इंडिया, वेर ही कैन वर्क इन गल्फ कंट्री एंड ही कैन ही एंड शी कैन ऑल्सो गो फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया. तो आई बी लाइक यू नो जो चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर, आई डोंट नो द नेम्स बट इवन आई थैंक्स टू बाबा जी, दे आर द मतलब लाइक सोसाइटी के वेल नोन पीपल है. आई रिक्वेस्ट देम टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प मी फॉर लॉन्चिंग दिस यू नो कोर्सेज. एंड रिलेट करूँ मैं इन लोगों को, भिवंडी है, मुंबरा जैसे एरिया है, कुर्ला है, वी विल बी कमिंग विद अवर टीम फॉर करियर गाइडेंस टू द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स ऑफ द सोसाइटी. तो आई एंड अप विद दिस ओके. एंड इफ आई एम गोइंग टू गिव माई विजिटिंग कार्ड्स टू दिस चीफ गेस्ट एंड ऑल दैट सो दैट वी विल कम अहेड विद ऑल दिस. थैंक यू वेरी मच. आपने समाज के लिए जो काम किया है वो सराहनीय है और हम ऐसी आशा करते हैं कि इसके बाद भी आप इसी तरह काम करते रहेंगे. फायर एंड सेफ्टी जो हमारे सामने यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं वो यकीनन जानते हैं कि फायर एंड सेफ्टी का ये जो कोर्स होता है वो कितनी अहमियत रखता है, क्योंकि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो यकीनन फायर एंड सेफ्टी के जो लोग रहते हैं वो बचाव काम के लिए और राहत के लिए जो है सबसे पहले आगे आते हैं. और देश के बचाव के लिए हमारी आर्मी की जो फोर्स है वो हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहती है और सरहदों पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं और सरहदों पर जो तकलीफ़ें उठाते हैं यकीनन वो सहन करते हैं इन तकलीफ़ों को, इसलिए कि वो इस देश के एक सच्चे नागरिक और अच्छे नागरिक हैं, जिस तरह से मेरे सामने बैठे हुए अच्छे नागरिक हैं. तो आज उनके लिए जो है यहाँ पर एप्रिसिएशन अवार्ड रखा गया है. मैं वालके अर्जुन साहब के वो तशरीफ लाएँ. कोबरा कमांडो पोस्टेड भिवंडी, वालके अर्जुन साहब हैं यहाँ पर. मैं बाबा जी से दरख्वास्त करूँगा कि इनका मोमेंटो इन्हें पेश किया जाए, इनका जो एप्रिसिएशन अवार्ड है. उसके बाद सागर गणेश पाटिल पोस्टेड वेस्ट बंगाल इंडियन आर्मी से, ये अपना बहुत ही कीमती अवार्ड हमारे गेस्ट के हाथों हासिल कर रहे हैं. सागर गणेश पाटिल साहब वेस्ट बंगाल में पोस्टिंग हुई थी इनकी, सागर साहब की. देखिए नौजवान हमारे सामने खड़े हैं. विश यू बेस्ट ऑफ लक. आइए और बाबा जी के हाथों लेने के लिए सम्मान. आकाश धोत्रे साहब मिलिट्री पुलिस से ताल्लुक रखते हैं. आकाश धोत्रे यहाँ मौजूद हैं. आकाश धोत्रे का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर होगा तो वो भी आ सकता है. हैं आकाश धोत्रे साहब, उनका रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई हो तो वो भी आ सकता है. मैं बाबा जी को एक मरतबा फिर जहमत दूंगा. आकाश धोत्रे मिलिट्री पुलिस में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट अवार्ड. मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा ज़रा सा रिकॉर्ड वाले साहब, हाँ मैंने ज़रा सा आवाज़ कम कर लीजिए थोड़ा सा. मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एनएसजी का नाम सुना था. उस वक्त मैं बॉम्बे में मौजूद था और वहाँ पर इस देश का वो महान सपूत अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था. ताजमहल होटल या गेटवे ऑफ इंडिया के सामने जो इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारे देश का वो अजीम सपूत
अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, जिन्हें हम हेमंत करकरे के नाम से जानते हैं। उस वक्त मैंने पहली मर्तबा NSG का नाम सुना था और TV पर मैंने NSG क्या है वो देखा था। NSG कमांडो न्यू दिल्ली में इनकी पोस्टेड हुई थी। नाम है कैलाश चौहान। कैलाश चौहान साहब आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम। इनकी मेहनत बड़ी सख्त होती है, बहुत ही मेहनत तलब और ख़तरों से खेलने वाला काम ये लोग अंजाम देते हैं। ये तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमारे बीच डॉक्टर सुनील नागेश भाले राव मौजूद होंगे। नागेश भाले राव साहब साहित्यकार भी हैं, कभी कभी शेर शायरी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं। आपका हम इस्तकबाल करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर BNCMC भिवंडी सर, जब भिवंडी को सुंदर बनाने का काम हो रहा था उस वक्त आपने बहुत बड़ा काम किया था कि कौन सी दीवार पर क्या होना चाहिए और इस भिवंडी शहर को कैसे खूबसूरत बनाया जाना चाहिए। यकीनन वो कमिश्नर साहब तो थे, लेकिन उनके पीछे जो है आपकी जो मेहनत थी, उस मेहनत को मैंने अपनी आँखों से देखा है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मैं हमारे आज के एक मेहमान जगदीश पाटिल साहब एक्स इंडियन आर्मी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आपके सर्टिफिकेट जो है आपकी खिदमत में। डॉक्टर सुनील नागेश भाले राव भाई, ये तालियों की आवाज़ इसमें कम हो जाती है, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं यकीनन वो मुबारकबाद के मुस्तहिक होते हैं। और HBT का यही लक्ष्य है कि जो लोग शहर में वाकई काम कर रहे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जाए, उनका सम्मान किया जाए, उनका हौसला बढ़ाया जाए, ताकि ये शहर जो है, ये शहर भिवंडी शहर कहलाए कि यहाँ पर अच्छे और सच्चे और देश से प्यार करने वाले लोग रहते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मैं कुछ सुनना चाहूँगा सर। यहाँ पर डायस पे बैठे हुए मान्यवर और यहाँ मौजूद रहे हुए यहाँ हमारे सब भाई और बहन, HBT संस्था ने जो समाज में सही ढंग से जो काम करते हैं, जो अपना योगदान रात दिन देते हैं, उस योगदान को आगे रख के उनका कुछ सम्मान होना चाहिए, इसके लिए आज का ये यहाँ पर उनका सत्कार किया जा रहा है। और इस मौके पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी भिवंडी है, ये भिवंडी स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, निरोगी रहे और हरियाली से खुशी भरी रहे, इसके लिए हम पूरे भिवंडी वासियों ने एक हमारे दिल में एक अच्छा सा माहौल यहाँ पर बनाना चाहिए। और इसके हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे राज्य के लिए एक बहुत अहम बात अपने को करनी है। तो इसके साथ मैं मेरे दो शब्द यहीं पर खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हम सीक्वेंस के हिसाब से ही चल रहे हैं। इंडियन आर्मी के नौजवानों को हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। धनेश पाटिल साहब यहाँ हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर। धनेश पाटिल साहब यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे उनके नाम के आगे टिक लगा हुआ है, इसका मतलब वो यहाँ पर हमारी लिस्ट में मौजूद हैं और उनकी अटेंडेंस थी यहाँ पर। बहरहाल शैलेश अशोक शिंदे हैं, BNCMC भिवंडी फायरमैन हैं, यहाँ पर हैं। आ जाइए, वेलकम।
भाई तालियों से इस्तकबाल कीजिए। मैं एक मर्तबा फिर सर से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी खिदमत में आइए। सर आप आइए, पाटिल साहब, जगदीश पाटिल साहब के हाथों। मिरेनाल रामचंद्र पाटिल, सिक्योरिटी गार्ड BNCMC है मिरेनाल। आइए सर, आपका इस्तकबाल है। मैडम के हाथों, निकिता राव के हाथों इनको सम्मानित किया जा रहा है। सर यहाँ पर इनाम लेने के बीच एक और अहम शख्सियत, मोस्ट पॉपुलर, ख़ास तौर से भिवंडी शहर के लिए ट्रैफिक के दुनिया में जिन्होंने बहुत काम किया है और इस शहर की ट्रैफिक को सही रास्ते पर लगाने के लिए इन्होंने काम किया है, और एक काम बहुत अच्छा इन्होंने किया है, टाइम टू टाइम जो है ये भिवंडी के ब्रिज को देखते रहते हैं और कॉरपोरेशन को लेटर लिखते हैं कि भाई साहब यहाँ का ब्रिज ये ख़राब हो चुका है और इस ब्रिज की दुरुस्ती होना बहुत ज़रूरी है। दो मैडम जो है ना, मैडम आप फैमिली को यहाँ पे, अच्छा मैडम की फैमिली यहाँ मौजूद है, ये बहुत खुशी का मौका है। ये अगर मैडम के फैमिली के लोग यहाँ पर हैं तो वो आ जाएं इस मौके को। अच्छा टीम के लोग हैं यहाँ पर, टीम के लोग हैं तो आ जाइए, टीम के जो लोग हैं इनके साथ आ जाइए। आइए आइए सर, आइए आप इंचार्ज। अच्छा सर साथ में, हाँ ये खुशी का मौका है, ये गुड पिक। रघुनाथ पालकर साहब यहाँ मौजूद हैं, टीम साथ साथ में मौजूद रहें। मैं पाटिल साहब, मैं निकिता राव साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि रघुनाथ पालकर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनकी भी अपनी खिदमत है, इन्होंने भी बहुत अरसा जो है अपनी सर्विस को दिया है। अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करते हैं, इसलिए आज की इस अच्छी महफिल में इनका सत्कार किया जा रहा है। मैं मैडम से दरख्वास्त करूँगा, राव मैडम से, उनका सर्टिफिकेट निकालिए। हाँ तो इस अवार्ड के बीच में एक बहुत अहम शख्सियत जो पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखती है, मायने साहब ट्रैफिक के इंचार्ज हैं और इस शहर की ट्रैफिक को बहुत ही कायदे से और सही ढंग से चलाने में यकीनन इनका योगदान है, और इनकी ही निगरानी में भिवंडी शहर में ट्रैफिक के सिग्नल लगाए गए हैं, ये भी खुशी की बात है। और जब ये अपने ऑफिस पर पहुँच जाते हैं तो मैंने देखा है कि इनके असिस्टेंट बहुत ही सतर्क हो जाते हैं, और फिर हर आने जाने वाली गाड़ी जिसके पास कागज़ नहीं होता है वो यू टर्न मार के इधर उधर हो जाती है, क्योंकि मायने साहब जो है अपने काम में किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अगर कहीं ऐसा है
कि मायने साहब की मोहब्बत आपको चाहिए या मायने साहब से आपको सही काम करवाना है, तो मायने साहब लीगलाइज तरीके पर जो है उस काम को अंजाम देने का फन जानते हैं और शहर की ट्रैफिक को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाने पर हम HBT की तरफ से इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। अब और कुछ अचीवमेंट अवार्ड हैं, HBD सम्मान, नीलेश पाटिल एक्स इंडियन आर्मी प्रेसिडेंट सैनिक फेडरेशन पालघर, सर आप हैं यहाँ पर, आइए सर वेलकम। मैं जगदीश पाटिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आपका सम्मान करें। अच्छा असलम बाबा जी हमारे जो बाबा जी हैं उनके हाथों इनका सम्मान किया जाएगा। राजू पाटिल एक्स इंडियन आर्मी, राजू पाटिल साहब हैं यहाँ पर, नहीं आए हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, सर आपके साथ में ही है राजू पाटिल, ले लीजिए आप। अच्छा हैं, आ जाइए सर, आ जाइए। मैं जगदीश पाटिल साहब से दरख्वास्त करता हूँ। स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा कि आप सवेरे जब उठते हैं, उठने के बाद जब आप फ्रेश हो जाते हैं नहा धोकर, तो आप पहले जो है चाय पीते होंगे, चाय पीने के साथ साथ एक चीज़ और आपके सामने आती होगी। हाँ सही कहा उस लड़की ने, अखबार। तो अखबार जो है हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी ज़रूरत है और अखबार जो है हमें हमारे सराउंडिंग या हमारे एरिया से बाखबर रखता है, देश विदेश की खबरें देता है, अपने ज़िले में क्या हो रहा है उसकी खबरें हम तक पहुंचाता है। तो अखबार हमारी ज़िंदगी का या न्यूज़पेपर या पत्र हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है, बहुत बड़ी ज़रूरत है हमारे लिए और डिजिटल मीडिया की भी अपनी अहमियत है। तो हमारे शहर में एक अखबार आता है उर्दू का जो हिंदी में भी निकलता है, जिसका नाम है राष्ट्रीय सहारा। सहारा के रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं उर्दू न्यूज़ सहारा, मैं नाम लेना चाहूँगा मौलाना असद कासमी साहब का। असद कासमी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और मैडम जो कि इसी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा संघ की अध्यक्षिका हैं निकिता राव साहिबा, मैं दरख्वास्त करता हूं कि आपकी खिदमत में आपका जो एप्रिसिएशन टोकन है वो पेश करें। असद कासमी साहब सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं देते हैं बल्कि सोशल वर्क की खिदमत भी अंजाम देते हैं, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में रह के मेडिकल एड भी लोगों को फराहम करते हैं असद कासमी साहब। इसके अलावा समाज में जो बुराइयां फैली हैं उसको दूर करने के लिए मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम इन्होंने अभी परसों जो है डिवोर्स जो हो रहा है या तलाक जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए या वो रुकना चाहिए, उसके लिए असद कासमी साहब ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। अफजल शेख साहब यहाँ हैं, अफजल शेख साहब मुंबई TV से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ मौजूद है। हफीजुल्ला खान कौन है? कांस्टेबल हफीजुल्ला खान है। कांस्टेबल हफीजुल्ला खान साहब मुंबरा से तशरीफ लाएं, आइए सर तशरीफ रखिए। अफजल साहब नहीं है, खालिद AK अंसारी जर्नलिस्ट डेली इनकलाब, खालिद साहब हैं, खालिद साहब भी नहीं है।
शिवम कुमार झा, लाइव नेशन न्यूज इंडिया। शिवम कुमार झा साहब भी नहीं है, कोई बात नहीं। तौसीफ अंसारी हैं, लाइफ इन भिवंडी, लाइफ इन भिवंडी। सोशल मीडिया के जिम्मेदार लाइफ इन भिवंडी, लाइव इन भिवंडी। वाकई भिवंडी शहर को आप लोग दिखा रहे हैं। सर नाम बोलिए आपका। वेलकम वेलकम इमरान शेख साहब, लाइव इन भिवंडी से ताल्लुक रखते हैं, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमारे मेहमान से हासिल कर रहे हैं। लाइव इन भिवंडी, सर आप कुछ कहना चाहेंगे शहर के बारे में? क्योंकि आपकी वीडियोस मैंने देखी है, बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। जो लोग भी एडिट करते हैं या जो लोग भी उसको एडिटर बड़ा है उसको एडिटर अजीज अंसारी हैं क्या यहाँ पर एडिटर? आ जाइए भाई, ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के हकदार आप भी हैं। अजीज अंसारी हैं, भाई इस नौजवान के लिए तालियां हो जाएं। इस नौजवान ने अपनी एडिटिंग के लिए बड़ी मेहनत की है। Everybody put your hands in the air. पहले ईमानदारी से बताइए, लाइफ इन भिवंडी किसने किसने देखा है? हाँ, बहुत से लोगों ने देखा है। एडिटिंग की तारीफ की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? ये तो आप तो उनके दोस्त हैं, कोई दूसरा पीछे से बोलेगा तो हाँ फिर आपका ही हाथ उठा। यानी ये वाकई अच्छा काम करते हैं, इसका मतलब। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लाइफ इन भिवंडी के तमाम जिम्मेदारों को। आप भिवंडी शहर की जो सूरत दिखा रहे हैं, वाकई भिवंडी शहर वहाँ मौजूद है और आपने भिवंडी शहर को जहाँ अच्छा दिखाया है वो तारीफ के काबिल है, जहाँ अच्छा नहीं दिखाया है वो भी तारीफ के काबिल है। बल्कि जहां अच्छा नहीं दिखाया है वो हमें इस बात की तरफ जागरूक करता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, इसको अच्छा करने की ज़रूरत है। तो लाइव इन भिवंडी के ये नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इमरान शेख साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई नहीं, हाँ काम करने वाले लोग बोलते कम है, मैं तो कोई काम ही नहीं करता हूँ इसलिए बोलता ज़्यादा हूँ। आइए तशरीफ़ ले चलिए। टाइम सोशल मीडिया भिवंडी टाइम, सोशल मीडिया भिवंडी टाइम है भाई। आपका काम भी काबिले मुबारकबाद है, सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा सतर्क है। हमारे मेहमानान बाबा जी के हाथों और हमारी एक और मेहमान निकिता राव, जगदीश पाटिल साहब इंडियन आर्मी से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। टीम है क्या यहाँ पर? यहाँ पर लाइव इन भिवंडी की टीम है, सोशल मीडिया की लाइव इन भिवंडी की टीम। आइए आइए, जल्दी आइए, आ जाइए भाई, आइए। हम तो चाहते हैं कि लोग आपको देखें। हम एप्रिसिएशन इसीलिए कर रहे हैं कि लाइव इन भिवंडी भिवंडी टाइम्स की टीम है यहाँ पर, आ जाइए। अच्छा, ये खुद अकेले अपने आप में दो लोग ही पूरी टीम है, और भी है। मुबारकबाद के एडवोकेट बी डी वाघमारे, एडवोकेट बी डी वाघमारे बॉम्बे हाई कोर्ट से ताल्लुक रखते हैं। वाघमारे साहब की एक खासियत क्या है मालूम है? कि जब इनके पास कोई केस जाता है तो वाघमारे साहब उसको समझाते हैं कि देखिए कोर्ट कचहरी के चक्कर जब होगा। आइए वाघमारे साहब, आप ऊपर रहें, आपके सामने बोलूँगा जो सही बात है। वाघमारे साहब उसको समझाते हैं। कंप्रोमाइज कर सकते हैं तो कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज कर सकते हैं, क्योंकि टेंशन पालने से बेहतर है कि टेंशन फ्री रहा जाए। तो वाघमारे साहब अपनी सर्विस के साथ साथ इंसानियत की जान देते हैं। सर दो शब्द कहेंगे आप? हाँ, वकील को बोलने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए सर। थैंक यू ईसुफ भाई।
वकालत के साथ साथ वकालत तो है, समझाने का काम मेरा है, बाकी समझने का नहीं, समझने का काम वो तो क्लाइंट का है। लेकिन दूसरी बात यह है कि भिवंडी में मेरी आइडेंटिटी सर ने बताई नहीं, भिवंडी में जो रास्ते का काम, जो रास्ते का आवाज़ उठाने का काम पिछले 25 साल में किसी ने नहीं किया, शायद मैंने चालू किया हो, और उसका नतीजा आज ये आया है कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम तक वो आवाज़ पहुंच रही है। तो मैं जैसा क्लाइंट को भी समझाता हूँ उसी तरह से सिस्टम को भी समझाने का काम कर रहा हूँ। पिछले 18 नवंबर से जो BNN कॉलेज का डांबर का वीडियो था या रास्ते का ये जो फ्लाईओवर है, वो इससे छुटकारा देने का काम शायद मैं अकेला कर रहा हूँ भिवंडी में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो वकालत का कोट है, ये ब्लैक जो सूट है, वो खाली आमदनी के लिए ना हो, वो समाज के लिए हो। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस जुडिशरी को अगर इंडिपेंडेंट रखा है तो उसकी वजह ये है कि आप इस समाज के लिए कुछ करो। क्योंकि मैं अगर वकालत से जाता हूँ तो मैं आपके सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इसके लिए जब मैं आवाज़ उठाऊँ तो उसका कहीं ना कहीं नतीजा मिलता है। आज ये भिवंडी की जो खस्ता हालत है उससे छुटकारा देने का काम कहीं ना कहीं हो रहा है, और ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। बाकी यूसुफ भाई ने मुझे आज जो स्टेज पे लाने का सम्मान दिया है, स्टेज पर सम्मान दिया है, उसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार और आप सब महानुभवों का भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। उतना स्टेज पे बोलने का मुझे जो आदत नहीं है, फिर भी मैं जैसा भी वैसा बोल देता हूँ। थैंक यू भाई। आदमी का काम बोलता है, यकीनन ये बड़ा काम है। जब आप रोड से जाते हैं और वहाँ देखते हैं, हमारे शहर का हाल ये है बाबा जी कि इन्हीं खड्डों से चलकर अगर आ सको तो आओ, हमारे शहर के रास्ते में कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब शहर थोड़ा सा सुधरा है और खड्डे जो है दुरुस्त हुए हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बड़ा काम था ड्रेनेज लाइन का, वो काम अब बहुत हद तक मुकम्मल होते आया है, और अब हमारी गाड़ी जो है अप डाउन नहीं चलती है बल्कि सीधी सीधी चलती है। और ब्रिज अभी एक महीने तक बंद रहेगा तो ब्रिज का हाल भी जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। ऐसे लोग जो सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत रखते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यही वजह है कि आज जो है कोविड के पीरियड के जाने के बाद मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा हम लोग जो है इस प्रोग्राम में खुली सांस ले रहे हैं, वरना हर आदमी दूसरे से जो है डर के रहा करता था। मैं कोविड के पीरियड में मायने साहब के ऑफिस में गया तो मायने साहब वहाँ बैठे हैं और हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस बनाए रखो। और पुलिस के नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया, यकीनन पुलिस ने जो है सड़कों पर रहकर जो है जो कारनामा अंजाम दिया है वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। प्रिंसिपल साहब अगर ताली बजा रहे हैं तो ये वाकई बहुत बड़ा काम है। और इसी कोविड के पीरियड में सर एक छोटा सा जोक हो गया, लतीफ़ा हो गया। एक बाइक सवार जो है ट्रिपल सीट वालों को मायने सर के नाम से बहुत डर लगता है, क्योंकि गाड़ी जमा हो जाती है, जब तक अब्बा आते नहीं है गाड़ी मिलती नहीं है, और सब टीनेज के बच्चे जो है गाड़ियाँ चला रहे हैं। लाइसेंस कहाँ है, बोले घर पे। गाड़ी किसकी है, घर पे। चाबी किसकी है, अम्मा ने दी है। तो भाई अम्मा यहाँ बैठी हुई हैं तो ऐसा मत कीजिए, छोटे बच्चे जो गाड़ी नहीं चला सकते हैं उनको गाड़ियाँ मत दीजिए। तो छोटा सा एक जोक हो गया था, एक नौजवान गाड़ी लेकर आगे आया, पुलिस कांस्टेबल ने उसको रोक दिया, ट्रैफिक वाला पुलिस था, बोले रात का वक्त है लाइट किधर है, बोले लाइट नहीं है, तो बोले ठीक है हॉर्न बजाइए, तो बोले हॉर्न बजाइए, तो बोले हॉर्न भी नहीं बज रहा है, तो बोले बेटा ये डंडा जो है ना इसमें भी आवाज़ नहीं आती है, तो इस डंडे को भी पहचान के रखिएगा। मारा तो नहीं, सिर्फ सजेशन दे के भेज दिया कि आइंदा ख्याल रखना, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी हैं सड़क पे चलने के लिए वो आपके पास होनी चाहिए। अब बारी है एजुकेशन की, एजुकेशन की जो लिस्ट है, मैं इससे पहले फहीम सर
उससे पहले एक नाम था सलमान खान, है सलमान खान, हाँ मौजूद हैं सोशल वर्कर सलमान खान साहब, बुरा मत मानना, इन्होंने लिखवाया है आपके नाम के आगे बॉस, तो आप तो अच्छे आदमी हैं और बॉस भी होंगे आप अपने लोगों के। आइए, आपका इस्तकबाल है, वेलकम। ये अच्छे वाले बॉस हैं, फिल्मों वाला जो बॉस होता है वो बॉस नहीं है, ये सोशल वर्कर है, काम करने वाले इंसान हैं सलमान खान साहब, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। देखिए भाई, मैं एक शेर पेश करके एक शख्सियत को यहाँ बुलाना चाहूँगा, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेर अगर समझ में आए तो ताली बजाइएगा। अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊँगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र दे के जाऊँगा। यारों, मैं इस ज़माने का वो संतराश हूँ, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊँगा। काफ़ी लोगों को समझा। फारूकी सर, आप तशरीफ लाएं, प्रिंसिपल रफीउद्दीन फकीह हाई स्कूल। अरे फारूकी शब्बीर फारूकी साहब, रफीउद्दीन फकीह बॉयज़ गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपका इस्तकबाल है सर। सर दो शब्द, मगर आप सर लिखते भी ज़्यादा हैं, बोलते भी ज़्यादा हैं सर, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सोशल की फील्ड में या समाज की खिदमत के लिए आप दो शब्द कहें। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट बाबा जी, दीगर मेहमानान जो यहाँ पर डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं और मेरे सामने यहाँ पर बैठे हुए हैं, साथ ही साथ इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र और HBT मीडिया के चीफ एडिटर यूसुफ मंसूरी साहब, मैं सबसे पहले तो आपको इस शाम का सलाम पेश करता हूँ। और अभी जैसा कि सीमा बनवर सर ने कहा, क्या मैं लिखता भी ज़्यादा हूँ और बोलता भी ज़्यादा हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ कहने की बहरहाल ज़रूरत है। मैं बहुत मुख्तसर लफ्ज़ों में अपनी बात ज़रूर करूँगा, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मदद की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस, कामयाबी की कुंजी जो है वो तालीम। देखिए, तालीम की बात हो रही थी, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें प्रोग्रेस की, जिसमें इम्प्रूवमेंट की, आज हमारे मुल्क को, हमारी इस स्टेट को और साथ ही साथ सबसे पहले हमारे इस शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो काम एजुकेशन कर सकती है वो कोई और दूसरा शोभा नहीं कर सकता है। एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो दीगर तमाम फील्ड्स को, तमाम डिपार्टमेंट्स को बनाता है, इसलिए इस फील्ड में काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर बात करने वाले लोग नहीं चाहिए बल्कि काम करने वाले चाहिए,
ये अलग बात है कि मुझे बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं अपनी बात अपनी अहमियत समझता हूँ कि नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है नासे, नसीहत की जगह हुस्ने अमल दरकार है नासे, बेहतर है कि लफ्ज़ों के बजाय ज़िंदगी बोले। आदमी जो कुछ करके दिखाए वो उसके अमल से, जो कुछ बोले वो उसके अमल से साबित होना चाहिए। और इसी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्लम एरिया के या गरीब एरिया के बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के लिए आते हैं, इसलिए आपके पास बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत काम है। मैं ये सोचता हूँ कि मुझे काम करने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट करने का मौका बहुत अच्छा मिल रहा है। जो जितने सारे प्रॉब्लम्स में घिर कर काम करेगा वो उतना ज़्यादा काम करेगा। इफ़ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन देन यू आर द प्रॉब्लम। अगर आप मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं तो आप खुद ही एक मसला है। समाज में आज मसाइल को हल करने वाले लोगों की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सबसे पहली सीढ़ी जो है वो एजुकेशन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे काम को, जो मैं पिछले 25 वर्षों से एजुकेशन के फील्ड में कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर एचबीटी टाइम्स ने, हिंद भूमि टाइम्स ने ये रिकॉग्नाइज़ करने की एक बहुत अच्छी कोशिश की है। इसी महीने में ये मुझे दूसरा अवार्ड है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारियाँ कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अवार्ड मिलने से कहीं ये गुमान होता है कि बहुत सीनियर हो गया कोई शख्स, इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो उसका काम करने के बाद में वो आराम से बैठ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी मेरी और ज़्यादा इस फील्ड के ताल्लुक से, अपने काम के, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ताल्लुक से और ज़्यादा बढ़ी है, और मेरा जोश भी बहुत बड़ा है इस रिकॉग्निशन की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इसी बीच तशरीफ़ लाए हमारे शहर के आमदार एमएलए रईस शेख साहब, जिन्होंने बॉम्बे में यकीनन कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि काम करने वाला अगर कोई शख्स है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो ये दयानतदारी नहीं है, ये उनके साथ ईमानदारी नहीं होगी। उन्होंने काम किया है, काम की बुनियाद पर रईस शेख जाने जाते हैं। रईस शेख का मतलब ही ये होता है कि काम करने वाला इंसान। तो रईस शेख साहब ने इस शहर के लिए काम किया है और काम करने का हौसला भी रखते हैं। रईस शेख साहब बहुत जल्द उर्दू घर गैबी नगर में शायद तामीर कर लें, क्योंकि उन्होंने एक मरतबा कहा था कि मैं उर्दू घर की तैयारियों में मसरूफ़ हूँ। तो इंशाल्लाह उर्दू घर नहीं बल्कि वो ऐसा घर होगा जहाँ पर उर्दू, हिंदी, मराठी, इंग्लिश तमाम तरह के जो है इवेंट्स हो सकेंगे। नाम सिर्फ उर्दू घर होगा। अब यहाँ पर जो फहरिस्त में और एक साहब तशरीफ़ लाएँ, उनके साथ में जो समाजवादी भिवंडी सिटी के प्रेसिडेंट हैं जनाब रियाज मुस्तर आज़मी साहब, हम हिंद भूमि टाइम की तरफ से इन दोनों साहिबान का इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रहनुमाई फरमाते रहेंगे। अब शब्बीर फारूकी साहब, प्रिंसिपल रफीउद्दीन फकी हाई स्कूल के बाद पूरे लॉकडाउन में 2 साल के इस अरसे में, यूसुफ मंसूरी साहब आप यहाँ तशरीफ़ रखेंगे, आपके मेहमान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ एक चेयर दीजिए भाई, यूसुफ मंसूरी साहब जो हिंद भूमि के चीफ एडिटर हैं। हाँ, और दरअसल बार बार इंटरक्शन इसलिए हो रहा है इंटरप्ट कि वो जो कैमरे वाला है उसी के सामने लोग जाकर जो है फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो ज़रा उस कैमरे वाले को भी ध्यान रखें। इस तरफ से आपको अगर पिक करना है तो इस तरफ आ जाएं। और अब फहरिस्त में नाम है शेख हारून सर का, सलाउद्दीन अयूबी मेमोरियल हाई स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लॉकडाउन में इन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। ऑल इंडिया इस्लामिक टीचर्स एसोसिएशन आईटा के जनरल सेक्रेटरी हैं।
लॉकडाउन में इन्होंने ऑल इंडिया क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें देश के बहुत से हिस्सों से, बल्कि सर ने बताया था दुबई से भी लोगों ने हिस्सा लिया था। ये ऑल इंडिया नहीं था बल्कि इंटरनेशनल कंपटीशन था। हारून सर का ये कारनामा है। हारून सर सोशल वर्कर भी हैं और इस तरह का काम अंजाम देते रहते हैं। सलाउद्दीन अयूबी हाई स्कूल के आप मौलिम हैं। रेहाना शेख साहिबा का नाम तो हो चुका है, ये कोई रेहाना शेख टीचर भी हैं। है? यहाँ पर रेहाना शेख के नाम से एक और शख्सियत मौजूद है, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इनको भी दिया जाना है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ लाएं। हमारे एमएलए रईस शेख साहब मौजूद हैं, उनके हाथों से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। आपकी खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए सैयद आरिफ हारून यहाँ मौजूद हैं। सैयद आरिफ हारून हैं क्या? सैयद आरिफ हारून साहब अच्छा, टीम के कुछ और लोग हों, मैडम याद कर रही हैं। आ जाइए, कौन है साथ में? आइए आइए, वेलकम, इस्तकबाल है आपका। हारून है, नाम है सुभान सिकंदर अंसारी साहब। आप सुभान सिकंदर अंसारी जी, सुभान सिकंदर अंसारी साहब मौजूद हैं यहाँ। हमारे बाजू एक दीवार के फर्क से समत नगर है, वहाँ पर है एक मोमिन जमात खाना। मोमिन जमात खाना भिवंडी वेलफेयर सोसाइटी, सिकंदर सुभान सिकंदर अंसारी साहब वहाँ अपनी खिदमात अंजाम देते हैं। और इनकी खिदमात को सामने रखते हुए मोमिन वेलफेयर सोसाइटी, ये दूसरी मर्तबा मैं नाम ले रहा हूँ, मोमिन वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी की हैसियत रखते हैं। तो फैल साहब भी मौजूद हैं, इन्होंने कोविड के पेंडेमिक कोविड के पीरियड में जो काढ़ा आपने नाम सुना था, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, है ना डॉक्टर साहब? दवा से ज़्यादा बोले काढ़ा काम कर रहा है। अब भिवंडी शहर है भाई, यहाँ जो चीज़ चल जाए वो चल जाती है। तो काढ़ा जो है तकसीम करने का काम जो है इन्होंने किया, अलकासमी काढ़ा जो है, यहाँ से भिवंडी शहर के बाहर तक के लोग आते थे और उस काढ़े से फ़ायदा हासिल करते थे। तुफैल साहब बहुत मुबारक हो आपको भी। बाद में ले लीजिए। उसके बाद डॉक्टर खालिद शेख के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे डॉक्टर साहिल, डॉक्टर साहिल साहब हैं, आ जाइए डॉक्टर साहब। मैनेजिंग डायरेक्टर ओम साई हॉस्पिटल मुंबई, डॉक्टर खालिद शेख का टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। साहिल अहमद सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल BNCMC, रेहाना शेख साहिबा यहाँ पर हैं, मोस्ट सीनियर प्रिंसिपल रह चुकी हैं आप BNCMC, भिवंडी शहर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी खिदमात अंजाम दे रही थी। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन MLA रईस शेख साहब के हाथों। नसीम आजम शेख, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी, ये हो चुका है मैडम। अच्छा, उसके बाद जो है एडवोकेट अमीना खान। सैयद आरिफ हारून आ चुके हैं,
एडवोकेट अमीना खान। सैयद आरिफ साहब कहाँ हैं, हैं क्या? नहीं है। एडवोकेट अमीना खान आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए, साथ में जो लोग हैं जाइए साथ में। कौन है? सैयद आरिफ। अच्छा सैयद आरिफ साहब, अच्छा आप आइए मैडम, आपको कुछ कहना भी है। हाँ आप रुके रहें, सैयद आरिफ साहब आप आ जाएं। दानिश आजमी साहब है, जर्नलिस्ट उर्दू न्यूज़ है। दानिश साहब, नितिन पंडित हैं, नितिन पंडित जी जर्नलिस्ट हैं, लोकमत से ताल्लुक़ रखते हैं, लोकमत औरंगाबाद से पहले निकला करता था, फिर लोकमत आहिस्ता आहिस्ता पूरे महाराष्ट्र में बहुत तेज़ी के साथ फैल गया। लोकमत का इंग्लिश एडिशन पहले मराठी में लोकमत निकला करता था, लेकिन उसके बाद जो है इंग्लिश एडिशन भी उन्होंने जारी किया। आप नितिन पंडित जो है यहाँ के एरिया रिपोर्टर हैं, भिवंडी शहर की बहुत अच्छी रिपोर्ट जो देते हैं। मिस्टर जाकिर अंसारी फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, राइस हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखते हैं। जाकिर सर हैं यहाँ पर, आ रहे हैं, जाकिर सर आ जाइए जल्दी। जी हाँ, इस स्कूल के प्रिंसिपल जियाउर रहमान अंसारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैंने देखा था उनको यहाँ आते हुए, शायद सर मौजूद हैं। सर आपकी स्कूल के टीचर को इनाम मिल रहा है और अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो अगर प्रिंसिपल भी उस तस्वीर के साथ शामिल हो जाए तो यकीनन इस तस्वीर की अहमियत और बढ़ जाएगी। जिस तरह से अगर कोई ऑफिसर है और उसका इंचार्ज ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर उसके साथ मौजूद होता है तो उस तस्वीर की शान बढ़ जाती है। सर आपका इस्तकबाल, आइए वेलकम। सर ने कहा कि ये तुम्हारा कमाल है, मैं तो छुप के बैठा हुआ था लेकिन आपने देख लिया। हक व हकदार रसीद, जो काम करने वाले लोग हैं उनका नाम तो खुद बखुद हो जाता है। टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो तो सिर्फ आपको एप्रिशिएट करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन ये लोगों को हौसला बढ़ाने का काम कर रहा है ये एप्रिसिएशन। हाँ भाई, मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सर्विस के साथ साथ समाज का भी काम करते हैं। आपके सामने एडवोकेट अमीना खान मौजूद हैं। अमीना खान की भी एक खासियत यही है कि जब घरेलू झगड़ा इनके पास आता है तो घरेलू झगड़े को सुलझाने का काम पहले ये करती हैं, प्राइमरी लेवल पे खुद मेहनत करती हैं। अब प्राइमरी लेवल पे मेहनत करने के बाद जब कोई चारा नहीं बचता है तो आओ भाई कोर्ट में आ जाइए, उसके बाद वो दूसरा स्टेप लेने के लिए कहती हैं, लेकिन पहले खुद मेहनत करती हैं। और एक चीज़ ख़ास तौर से, ये जो 498 वाला केस होता है, डाउरी वाला, जिसमें उठा के ठोक दिया जाता है, 60 साल का बुड्ढा भी बेचारा जो है वो पुलिस की हवा खाता है और तकलीफ़ें उठाता है। अब पुलिस वाले जो है उनको ये डायरेक्शन दे दी गई है कि 498 के जो केसेस हैं उनको पहले आप काउंसिलिंग कीजिए। सर बराबर है, पहले काउंसलिंग कीजिए, फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें फैक्ट है तो गुनाह दाखिल कीजिए। ये बहुत अच्छा काम है, यकीनन ये समाज का काम है और दो लड़ने वालों के बीच मोहब्बत पैदा करने का काम है, वो काम अमीना खान साहिबा करती हैं। मैं आवाज़ देता हूँ अमीना खान साहिबा को।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग आल्सो. लास्ट टू इयर्स आई थिंक कोविड की वजह से सारे घर के मसले मेरे ख्याल से 80-90% ज़्यादा हो गए, क्योंकि सारों को कुछ काम था ही नहीं और लोग घर में ही रहते थे. तो उस मामले में लोगों के डिप्रेशन आई थिंक बहुत लेवल तक बढ़ चुका था और उसका असर आपस में ही घरेलू झगड़े पर ज़्यादा हो रहा था मेरे ख्याल से. तो उस बीच हमारे पास मेरी सनद 2019 की है और जैसे ही हमने मतलब जैसे सनद लिया उसके बाद से हमारे पास जो पहले मैटर्स आने लगे वो घर के झगड़ों के ही आने लगे. तो हमने ये सोचा कि उनको डायरेक्टली परेशान करने से अच्छा कि कोर्ट में आइए, केस करिए, ये सब करने से अच्छा हमने उनको सोचा कि आप थोड़ा काउंसलिंग करके हम उनको समझाया जाए कि ये वक्त ऐसा है कि लोग सारे लोग परेशान हैं. उस बीच में हम उनको ऐसा फाइनेंशियली रूप से ना देखें कि हम अपना पैसे ज़्यादा कमाएं, इसलिए हमने इंशाल्लाह उनको बहुत सारे लोगों का मतलब काउंसलिंग करके भी उनके मतलब झगड़े कम किए. इवन ये तक बताया कि प्रोविज़न है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है लीगल एड का. लीगल एड इज़ ये काम करती है, लीगल एड के जो एडवोकेट्स होते हैं वो जो लोग बहुत ज़्यादा रियल में परेशान हैं उनके घर के वजह से और फिर भी पैसों के वजह से जो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकते, तो उनके लिए जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए फ्री में हेल्प करते हैं उनकी. तो जो लोगों को नहीं पता था एक्चुअल में कि लोग सिर्फ ये समझते हैं कि कोर्ट जाना परेशानी का काम है, एडवोकेट्स को सिर्फ पैसे देना है और डेट पे डेट लेना है, तो उनका कंसेप्ट मैंने पर्सनली ऐसा सोच के समझा कर उनको ख़त्म किया कि सिर्फ ये नहीं होता है कोर्ट का मतलब. इवन सर ने भी अभी कहा कोर्ट और परेशानी के बारे में, तो इट्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. कोर्ट इज़ नॉट फॉर मेकिंग टू परेशान एवरीवन. सो प्लीज़ ऐसा ना समझे, कोर्ट हमेशा ये सब चीज़ें नहीं करती और लोगों को एक्चुअल में हेल्प जिसको चाहिए, जिनका एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज़ से कम होता है तो लीगल एड उनको हेल्प करती है. फ्री में लीगल एड प्रोवाइड होती है टू एनी कोर्ट, चाहे वो सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, इन एनी फील्ड. और कोई ऐसा बाउंड्रीज नहीं है कि तुम लेडीज़ हो या जेंट्स हो, एनी अगर आपको रिक्वायर्ड है लीगल हेल्प की, लीगल एड की, तो आपको वो प्रोवाइड की जाएगी. सिंपली एक फॉर्म होता है, उनको फॉर्म फिल करना रहेगा, डेट्स इट. उनको एक लीगल एड के लिए एक एडवोकेट मिल जाएगा. सो ये चीज़ें ना रहे कि मतलब करें कि आप लोगों को कि हम कोर्ट में अगर मूव करते हैं तो सिवाय हमको डेट्स और परेशानी के हमको न्याय भी मिलेगा उधर. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू अमीना शेख साहिबा. तालीम, विद्या, एजुकेशन, यकीनन हमारे समाज में इसका बहुत महत्व है और एक अच्छा समाज तालीम, विद्या और एजुकेशन से ही बन पाता है. तो आज हमारे बीच रईस हाई स्कूल के प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब मौजूद हैं और बच्चों की तालीम के लिए जो है रात दिन मेहनत करते हैं. HBT के जिम्मेदारान ने ये महसूस किया कि यकीनन आपकी बात बहुत ही कारामद होती है. हर चंद के आप ये सोचें कि सर मेरा नाम कहाँ से शामिल कर लिया गया, लेकिन अच्छे काम के लिए सर जो जहाँ जब बुलाए तो यकीनन हमें हाजिर हो जाना पड़ता है, क्योंकि आप अच्छा काम करते हैं कि कल ना पूछा तो आज पूछेगा, वक्त अपना हिसाब पूछेगा. नौ निहालों को क्या दिया तुमने या अपने बच्चों को क्या दिया तूने, कल बदलता समाज पूछेगा. यकीनन समाज के एक ज़िम्मेदार शख्सियत है. मैं प्रिंसिपल ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि यहाँ दो शब्द के लिए तशरीफ़ लाएँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमारे शहर के हरदिल अज़ीज़ MLA रईस शेख साहब और आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र यूसुफ़ मंसूरी साहब, सारे गेस्ट और आज जिन लोगों को अवार्ड मिला है, अस्सलामु अलैकुम. यूसुफ़ ये नाम लेते ही एक ख़ूबसूरत शख्सियत का
चेहरा सामने आता है। इंसान खूबसूरत अपने सिर्फ चेहरे से नहीं बल्कि अपने काम से होता है। यूसुफ मंसूरी साहब वो हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। जब मैं अभी यहाँ दाखिल हो रहा था तो मैंने देखा कि जितना अजीमुशान प्रोग्राम इन्होंने पिछले साल किया उससे ज़्यादा अजीमुशान प्रोग्राम जो है इस साल हो रहा है, तो इसके लिए उनको मुबारकबाद दी जानी चाहिए। हम जिनका ताल्लुक़ तालीमी मैदान से है उनको भी अवार्ड दिया। खाकी के साये में हमारे खाकी वर्दी के ज़रिए से हमारी कौम की हिंदुस्तान की खिदमत करने वाले पुलिस के महकमे के लोगों को भी उन्होंने पज़ीराई की। कानून का शोबा है, तिब का शोबा है, कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी। असल में समाज में अच्छा काम करने वाले लोगों की पज़ीराई और उनकी हौसला अफजाई होनी बहुत ज़रूरी है। आज का ये जो ज़माना है अक्सर हम लोगों की ज़बान से ये सुनते हैं कि आज के लोग जो हैं आजकल के लोग कोई किसी की तारीफ़ नहीं करता। हम दूसरों के बारे में ये कहते हैं कि भाई आज कितना भी अच्छा काम कर लो लेकिन कोई उसको रिकग्नाइज़ नहीं करता। मैं सब लोगों को, हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनको भी और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनको भी इस्लाम का एक बहुत बड़ा पैगाम आज बताना चाहता हूँ। एक कहावत बहुत मशहूर है, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। एक बात याद रखिए कि कोई नेकी बर्बाद नहीं होती, ये अल्लाह ताला ने कुरान में वादा किया। अगर तुम ज़र्रा बराबर भी कोई अच्छा काम करोगे तो वो तुम्हारे सामने आएगा। ये उस किताब में लिखा है जो अल्लाह ने भेजा है, उसमें ये आयत है जिसका मैं तर्जुमा आपको बताता हूँ कि जब हम अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने ज़र्रा बराबर भी कोई गलत काम किया होगा वो भी उसके सामने आ जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि कम से कम जो परवरदिगार है, हमारा मालिक है, वो हमारी नेकियों को जमा कर रहा है। अब दुनिया वाले हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा करें या ना करें, हमको अपना दिल नहीं छोटा करना है, हमको अपना काम करते जाना है। आप जितना काम करते जाएंगे नेकी दरिया में डालने की ज़रूरत नहीं है, आपके वो काम खुद दरिया बन जाएंगे, नेकी का वो दरिया जो अल्लाह के पास महफूज रहेगा और वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। लेकिन कभी कभी लोगों की तनकीदों से जो क्रिटिसिज्म होता है हमारा दिल दुख जाता है, हमारी हिम्मत छोड़ देते हैं। कोई अच्छे काम में लगेंगे ना तो एक वक्त ज़रूर आता है कि हम थक के बैठ जाते हैं। तनकीद और क्रिटिसिज्म करने वालों से हमारा दिल टूट जाता है और ऐसे वक्त में हम बोलते हैं कि ये सब करने से हमको क्या हासिल होगा, क्या हासिल होगा। ऐसे वक्त में जबकि इंसान अच्छा काम करते करते जो समाज की इस तरह की चीज़ें उससे थक के बैठ जाता है, इस तरह के जो प्रोग्राम हैं उसको दोबारा अच्छा काम करने के लिए हौसला देते हैं। तो इसकी ज़रूरत है। मैं तौसीफ़ मंसूरी साहब को, यूसुफ मंसूरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया और एक एक प्रोग्राम में वो 50-50 लोगों को हौसले बुलंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज से जब जो यहाँ अपने घर जाएंगे तो कम से कम 50 लोग नहीं बल्कि 50 फैमिलीज ऐसी होंगी विच विल बी फुल ऑफ इंस्पिरेशन, जो अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर्ड होंगी। तो ये तो हम नए समाज को गढ़ने का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ पर लोग थक जाते हैं उनके अंदर नई तवानाई, नई एनर्जी भरने का काम करते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। लोग अपने अपने लोगों का के लिए कार्यक्रम रखते हैं, हम एजुकेशन वाले टीचरों के लिए रखते हैं, डॉक्टर्स डॉक्टरों के लिए रखते हैं, तौसीफ़ मंसूरी, यूसुफ मंसूरी सब के लिए रखते हैं। दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।
हमारे बीच हमारे मौजज़ मेहमान शहर के आमदार एमएलए रईस शेख साहब तशरीफ़ लाए। मैं यूसुफ मंसूरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मेमेंटो और शॉल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। रियाज मुस्तर आजमी साहब साथ में तशरीफ़ लाए। आप भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द भिवंडी सिटी समाजवादी पार्टी, रियाज मुस्तर साहब। एक मरतबा फिर यूसुफ मंसूरी साहब उनकी खिदमत में, इनका स्वागत कर लीजिए आप। मैं मेरा काम कर रहा हूँ। अच्छा, यूसुफ खान साहब, रईस शेख साहब जब से भिवंडी शहर में चुने गए हैं, बॉम्बे के जो कामकाज हैं उसको भी देखते हैं और भिवंडी शहर में भी बाकायदा उनकी हाज़िरी होती है। कुछ डेज जो है इन्होंने मखसूस कर रखे हैं ताकि भिवंडी की आवाम इनकी ऑफिस में जाए, इनका जो जनसंपर्क कार्यालय है वहाँ पर जाकर इनसे मुलाकात करें। इसका मतलब ये है कि रईस शेख साहब का घर बम्बई में है, यहाँ पर जो है जिस चार दीवारी में बैठ के ये काम करते हैं वो उनका जनसंपर्क कार्यालय है। तो उसी एतबार से कि कोई दीवार ना दर रखता हूँ, कोई दीवार ना दर रखता हूँ, घर का एहसास मगर रखता हूँ और लोग रखते हैं चरागों पे नज़र। शेर समझिए, लोग रखते हैं चरागों पे नज़र, मैं हवाओं पे नज़र रखता हूँ। रईस शेख साहब, आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पे मेरे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल भाई बाबा जी और तमाम डेकोरेटेड ऑफिसर्स भी हैं। मैं सबसे पहले HBT को मुबारकबाद दूंगा कि एक बेहतरीन प्रोग्राम आपने यहाँ किया, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड। और अप्रिसिएशन सोसाइटी में ज़रूर लोगों का होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट करेंगे तो लोगों की हिम्मत बढ़ेगी और लोग आगे आके और सोशल सर्विस में पार्ट लेंगे। नाजिम साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको अपने भिवंडी के घर में दावत देने भूल गया, तो आज मैं उनको चाय पे बुलाता हूँ। कल मेरी रहाइश अभी ओशन में ही है, भिवंडी का आमदार भिवंडी में ही रहता है। दो जिम्मेदारियाँ हैं, मुंबई महानगर पालिका में नगर सेवक हूँ और भिवंडी शहर का आमदार हूँ। मुंबई के अंदर मेरे 2 महीने अभी बाकी है, वहाँ नया चुनाव होगा, नए लोग आएंगे। इस प्रोग्राम से जो मैसेज अभी यहाँ दिया गया कि किसी भी सोसाइटी की जो बुनियाद है वो तालीम है, एजुकेशन है, और भिवंडी शहर में हम लोगों ने अब ग्रास रूट लेवल पे म्यूनसिपल स्कूल्स के साथ काम करना शुरू किया है। वहाँ से लेके हायर एजुकेशन का प्लान हमने बनाया है। कोविड के पीरियड में सरकार के बड़े डिसीजंस कुछ स्लो हो गए थे, लेकिन आज हम जिस तरह से यहाँ पे जमा है, मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में उसी तरह से असेंबली में आमदार जमा होंगे और कामकाज और तेज़ी से शुरू होगा। लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ भिवंडी पे जो मेरा विज़न है, हमारी पार्टी का विज़न है, उसका बहुत पार्ट हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से आप काम देखेंगे।
मेन जो मेरा फोकस है वो है तालीम, और मुझे आज बहुत खुशी है कि इस प्रोग्राम में मैं सर से बात कर रहा था कि एनसीसी के कैडर्स ने मुझे आज स्वागत किया, मेरे के लिए भिवंडी के लिए नया है। मैंने सर से बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कम्युनिटी के बच्चे एनसीसी में पार्टिसिपेट करें, और मुझे खुशी है कि सर ने मुझे अभी बताया कि इस साल 35 बच्चे एनसीसी के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, वो एक बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हेल्थ में हमारे डॉक्टर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, भिवंडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अच्छे सरकारी तिब्बी सहूलत की। आईजीएम में एक तब्दीली हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमको सैंक्शन करके दिया है आईजीएम में। उसमें एक ही दिक्कत आ रही है कि गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि 5 एकड़ ज़मीन अस्पताल के लिए होनी चाहिए, हमारे पास 2.5 एकड़ है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे मिनिस्टर्स हैं उनसे बात की है कि ये शर्त जो है आप उसको रिलैक्स कीजिए, लेकिन आने वाले दिनों में जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का हमारा ख्वाब है आईजीएम का, वो डेफिनेटली पूरा होगा। 1.4 करोड़ की लागत से हमारा इम्प्रूवमेंट प्लान चल रहा है, इस साल डीपीडीसी में उस अस्पताल को 10 करोड़ भी आएंगे। इस प्रोग्राम में अगर वापस आऊँ तो एक बार फिर मैं, मेरे ख्याल से 50 लोगों को यहाँ पर अप्रिशिएट किया गया, मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग इस सोसाइटी के, इस शहर के सुपर हीरोज़ हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उनके लिए एक ज़ोरदार तालियां बजाएं। और HBT ने शानदार प्रोग्राम किया, मुझे बुलाया, शिरकत करने का मौका दिया, आप सबके साथ पार्टिसिपेट करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए शुक्रिया। मैं HBT को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ और कहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, आगे आप अच्छी पत्रकारिता जो इस देश में बहुत कम होते जा रही है उसको कंटिन्यू करें। और आप सबसे इजाज़त मांगता हूँ इसलिए कि एक कमिटेड प्रोग्राम मेरा आगे भी है, और थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से थोड़ा इजाज़त मांगूंगा सॉरी के साथ, क्योंकि मेरा एक आगे कमिटेड प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच। रईस शेख साहब को इसीलिए मैंने रोक के रखा था कि अगर बोलने दे दिया जाएगा तो रईस भाई को कहीं ना कहीं से फ़ोन इमरजेंसी वाला आ जाएगा। रईस शेख साहब ओशियन रेसिडेंसी में तशरीफ़ रखते हैं, 3 दिन इस शहर में रहते